आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जब बात आती है तो नज़र सरकार पर जाती है। सरकार से बजट मिलेगा तो विकास कार्य को पूरा किया जाएगा। हालांकि आज के समय में सरकार से बजट मिलना बेहद आसान है, जिसके चलते विकास कार्य संपन्न भी हो जाते हैं। लेकिन ऊना जिला की ग्राम पंचायत एक ऐसी है जिस पर सरकार के साथ साथ पीरों की सरकार की भी पूरी तरह से मेहरबानी बरसती है। विकास के रथ को आगे बढ़ाने के लिए यदि सरकार की तरफ से पहिया जाम हो जाए तो इस पंचायत के विकास के लिए दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद काम निकाल देता है। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम पंचायत बसोली की, जिसके तहत आने वाला उत्तर भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह मंदिर इस पंचायत के विकास को एक छोर से मजबूती से थामे हुए है। सरकार से मिलने वाली ग्रांट को एक साइड कर दें तो इस मंदिर का चढ़ावा भी ग्राम पंचायत बसोली के विकास को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम है। सामूहिक विकास ही नहीं, अभी तो गांव के बेसहारा बुजुर्गों और बच्चियों की मदद के लिए भी मंदिर कमेटी के सहयोग से आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाती है। इस डेढ़ साल के दौरान दे विच साडी पंचायत बहुत लोगों की भलाई वास्ते बहुत चंगे चंगे काम कर रही है और मंदिर पी निगाह भी जड़ी कमेटी वो भी साड़ी जो इलेक्टेड पंचायत है वो ही मंदिर मैनेज कर रही है और असी मंदिर दे पहले तो साड़ी खास मंदिर की देख रेख वास्ते असी बहुत अच्छे अच्छे बजट तैयार कर रहे हैं और अच्छी अच्छिया श्रद्धालुओं वास्ते सुविधा तैयार कर रहे हैं। हाल ही असी तुम देखा होना जिसल असी अपने उन्ना तो मंदिर पी निगाह के एंट्री कर रहे तो थले साडे एक छोटा मंदिर है जिन्हों असी डिवेलपमेंट के अधीन ले रखे वह रंग रोगन करा के काफ़ी सुधार कर दिता और वह तालाब जोड़ा छपड़ी रूप सी उन्होंने भी असी तालाब का अच्छी तरह रूप दे रहे और लगातार काम चल रहा है। उस बाद श्रद्धालुओं असी तोप और वर्षा के बचाने तो वास्ते मेन गेट तो लैके अपने मंदिर के दरबार तक एक अच्छी शैड का निर्माण किया गया और जो असी मंदिर मत्था टेक बाहर ख्वाजा मंदिर के वल नूं जांदे उत्थे भी श्रद्धालुओं वास्ते एक अच्छी उपर वर्षा सड़क जा धुप तो बचने लिए शैड का निर्माण किया गया। ये नाल नाल असी कुछ मंदिर की तो असी अगे तक डिवेलपमेंट कर रहे हैं कुछ असी मंदिर के बजट के ग्राम पंचायत बसोली अपने पिंड की भलाई वास्ते बहुत अच्छे अच्छे उपलब्धियां पेश कर रही है। जिदा कि जसों सू डेढ़ साल आया होया लगभग साढ़ा 3 लाख के करीब असी 150 के लगभग जा वृद्ध है जा हैंडीकैप्ट है जा बेचारी विधवा है उन्होंने 2000 रुपये पर महीने के रूप के एक मंदिर कमेटी वालों मंदिर जी कमेटी है वो उन्होंने सहयोग आ रही है। उस तो अलावा जो असी एक साल के बाद असी अपनी बच्चियों जी साड़िया बच्चियां बच्ची बचाओ या बच्ची पढ़ाओ के योजना के लै लो असी पिछे 31 बच्चियों 31,000 उन्होंने मदद तौर पर उन्हें कैफरी तौर के असी उन्होंने दिता है और उस वेले असी एक मंदिर की भलाई वास्ते मंदिर की स्वस्था रखने वास्ते मतलब लोगों को निरोग रखने लग गए लोगों को अच्छी दुआ सुविधा देने वास्ते एक एंबूलेंस का भी मंदिर द्वारा लोगों को असी मदद दी गई है जो फ्री सेवा मंदिर वास्ते। इहदे नाल नाल असी काफ़ी पिंड दे विच डिवेलपमेंट करवा रहे हैं एक अच्छी भवन का निर्माण किया जिथे साडे बच्चे जिम करनगे और साडा भवन जिहड़ा निर्माण हो चुका वा लगभग 20 लाख दे राशि के नाल असी तैयार कराया गया। कुछ ही दिनों के बाद असी अपने बच्चों नौजवानों को जिम के उन्होंने सर अर्पण कर देना। इस तो नाल नाल जी असी सारे पिंड दे विच देखा होना तुसी सारे पिंड दे विच बैठन बजुर्गों बेंच जा मंदिर पी निगाह जा कोई पंचायत घर है जा कोई होर बैठन सर्व स्थान है उत्थे भी असी बेंच का मतलब मंदिर पी निगाह कमेटी वालों किया गया और पिंड दे विच पानी तो असी जिदा पंचायत दे रही है पानी का सारी उपलब्ध चाहे पी निगाह मंदिर है चाहे पिंड बसोली है जो भी खर्चा जिन्ना भी है वर्कर है जा पंप है जा बिजली का खर्चा वो सारा मंदिर के बजट के दिता जाता है। ये असी काफ़ी रास्ते मतलब कोई नवे हम पंचायत ने नवे आगे काफ़ी रास्ते नवे रास्ते का निर्माण भी किया और ये जंगली जानवर या आवारा पशुओं तो अपने किसानों की फसल बचाने वास्ते काफ़ी असी जाल का काम कर भी चुके और चलता रहेगा लगातार सा। इस अलावा सानू सरकार वास्ते भी काफ़ी मदद मिली कुछ बड़े काम सरकार द्वारा भी साढ़े पिंड चल रहे हैं जिदा कि साढ़े
ਸਾਡੇ ਇੱਕ PSC ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਔਰ ਮਟਰ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕੋ ਲਗਭਗ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਏ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ TV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗਾਮ ਕੇ ਬਸ਼ਿੰਦੋਂ ਕੋ ਸਭੀ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਏ ਦੀ ਜਾਏ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ गांव में सड़क पानी और स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों की फसलों को बचाने के लिए आवारा पशुओं से बचाने के लिए जाल का निर्माण जाल लगाया जा रहा है और वहीं युवाओं के लिए जिम और बच्चों के लिए पार्क का निर्माण भी किया जा चुका है और तीनगाहा मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हों इसके लिए हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से अच्छा बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है दिव्य हिमाचल TV के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।